कुएं में दिखे अजगर को कुछ शरारती तत्वों ने ईंट पत्थर से किया घायल। जितेंद्र सारथी ने जान को जोखिम में डाल कुएं में उतर कर किया रेस्क्यू। अजगर का इलाज करने के बाद छोड़ा गया सुरक्षित जंगल में। कहते हैं, जाको राखे साइयां मार सके न कोई, यह कहावत आज सच साबित हुई। कोरबा मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर गेवरा बस्ती में एक कुएं में जब लोगों ने अजगर को देखा, कुछ लोगों ने बिना सोचे समझे कुएं के अंदर शांत बैठे अजगर को परेशान करना शुरू कर दिया। मन नहीं भरा तो उन लोगों ने ईंट पत्थर से मारना चालू कर दिया। इसके कारण अजगर अधमरा हो गया। उनको लगा अजगर मर चुका है। तभी अश्विनी मीरी नामक व्यक्ति की नजर उस पर पड़ी। मानवता दिखाते हुए उसने स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी को इसकी सूचना दी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जितेंद्र सारथी अपनी टीम के सदस्य राजू बर्मन के साथ मौके पर पहुंचे। कुछ ग्रामीण लोगों की मदद से सीढ़ी के सहारे कुएं में उतरने का निर्णय लिया गया। फिर जैसे ही सीढ़ी से उतर नीचे पहुंचे कि गुस्से से आग बबूला अजगर दर्द से छटपटा रहा था। अजगर ने अपने तरफ आते देख जितेंद्र सारथी के ऊपर ही हमला करना चालू कर दिया। सारथी ने जैसे तैसे अजगर को ऊपर लाया, तब भी अजगर लगातार हमला कर रहा था। अजगर को पानी में नहलाया गया ताकि थोड़ा आराम मिले और चोट पर मरहम लगाया गया। उसके बाद अजगर को बोरी में बंद कर कोरबा लाया गया। कोरबा DFO प्रियंका पांडे को जानकारी दी गई, जिसके बाद इसको इलाज कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। निश्चित ही ये काम बेहद ही सराहनीय कार्य रहा। वन विभाग जिस तरह वन्य जीवों को लेकर सहज है, आगे कोरबा जिले को अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। कुसपुंडा पे गेवरा बस्ती के समीप एक गांव है, जहां कुएं पे अजगर देखा गया और लोगों के द्वारा उसको मारा गया, परेशान किया गया, तो निश्चित वो हमारे लिए तकलीफदायक रहता है और मतलब एक दिल को झकझोर देने वाला घटना होता है। क्योंकि हम दिन रात लगातार मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम लगातार मेहनत कर रही है इन जीवों को बचाने के लिए, और हम तो निस्वार्थ भाव से हम लगातार काम कर रहे हैं। हम क्षेत्र में हर एक कोने कोने में पहुंच रहे हैं, जिले के कोने कोने पे हमारी वन विभाग की टीम पहुंच रही है, हमारी टीम पहुंच रही है रेस्क्यू करने के लिए। आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप प्लीज़ किसी भी जीव जंतु और सांपों को ना मारें। आप हमें फ़ोन करें, हम तो पहुँचेंगे ही, किसी भी समय हो हम पहुँचेंगे, चाहे वो कितना ही दूर क्यों ना हो, लेकिन आपके सेवा के लिए हम ज़रूर पहुँचेंगे। तो मेरा एक पुनः मेरा निवेदन आप सभी से कि सांपों को ना मारें, हमें सूचना दें, हम पहुंचेंगे, उसको सुरक्षित रेस्क्यू करेंगे और आप लोग की जान बचाएंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।